थोड़ा सा ना ये थीसिस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट है, पेपर विद कोड है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वेबसाइट। लेकिन जो पेपर विद कोड्स है ना, ये काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो आपको अपने थीसिस के बारे में मिल सकती है। जो इसका जो फ्रंट पेज आ गया, इसके अंदर जैसा कि आप साइन इन कर सकते हैं, मैंने पहले इसके अंदर साइन इन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद आगे देखेंगे, जब आप इसको ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये सेक्शन बने हुए आ जाएंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो सपोज करते हैं हम लोग पहले कंप्यूटर विजन के बारे में, सिमेंटिक सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसने यहाँ पे इसका लाइब्रेरीज दी हैं, इसके अलावा उसने उसके कोड भी दिया हुआ है, ये सारा डाटा सेट उसने कौन कौन से यूज़ किए हैं, ये सारे डाटा सेट हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन में जाते हैं इसके अंदर, तो ये जब आप ये ओपन करते हैं, तो आपके सामने सारा ये इसके बारे में आ जाता है कि आपने आगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ओपन करते हैं। तो आप ये देखें, जब इसके पेपर पे क्लिक करेंगे, मुझका ही है, यहाँ पे आपके पास ये पीडीएफ फाइल है, सारा उसने लिखा हुआ इसके बारे में, फैक्ट क्या है, और इसके नीचे जाते इंट्रोडक्शन देगा वो इस थीसिस के बारे में, और देन फिर रेफरेंस देगा जो जोन से उसने टूल इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो जब आप इसको पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने काम क्या किया और इसके अंदर क्या कुछ काम हो सकता है। अगर आपने अकेला इसका ट्रैक पढ़ना है तो ये आपको ये मिल जाएगा। यही हम लोग अगर पैक करते हैं तो सपोज करें, अगर हम लोग देखते हैं जी मेडिकल की फील्ड अपनी, ड्रग्स डिस्कवरी के बारे में देखते हैं, तो इसके ये लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज की है, ये पेडल वाली की है, ये डाटा सेट है इसके सारे। तो आप करने का बेसिकली मकसद यह है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा थीसिस के बारे में डाटा मिल जाएगा, और साथ आपको डिफरेंट कोड दिए हैं। सपोज करेंगे आपको इसका अगर कोड चाहिए, आपके कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ऐड फाइल पे जाएंगे, ये सारा इसका कोड दिया हुआ है नीचे।
टोटली पूरा। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट वेबसाइट है अबाउट मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं कि आपने मशीन लर्निंग के अंदर कौन सी फील्ड में जाना है, स्पीच की जाना है, ग्राफ में जाना है, गेम्स में जाना है, कंप्यूटर कोड में जाना है, कंप्यूटर विजन में जाना है, लॉट ऑफ फील्ड इन दिस वेबसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग अपने थीसिस के बारे में कैसे रिसर्च करेंगे, कि हम लोग क्या जज करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक को मतलब कि किसके ऊपर हमने इसको काम करना चाहिए। तो अगर आप सपोज करेंगे जैसा कि मेरा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग के ऊपर, तो मैं मशीन लर्निंग के ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है पेपर विथ कोड डॉट कॉम। तो इसके अंदर आपको मशीन लर्निंग के जितनी भी इसकी फील्ड है उसके रिलेटेड आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमेंटिक सेगमेंटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज जनरेशन, इस तरह की सारी चीज़ें। उसके बाद आगे आता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, इन केस अगर आपने सपोज करें कि अगर आपने जाना है जी इमेज क्लासिफिकेशन में जाना है, कि आपका जो थीसिस का टॉपिक है कंप्यूटर विजन का इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर है, ओके, तो आप इसको ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके बारे में थीसिस इसको पेपर आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे आर्टिकल लिखे हुए हैं सारे, मोस्ट इम्प्लीमेंटेड पेपर्स, ठीक है। अगर आपने सपोज करेंगे, अगर आपने इसको डीप लर्निंग टू इमेज रिकॉग्निशन, अगर आपने सपोज करेंगे, अगर इसको ओपन करना है और इसका आपने देखना है कि इसका जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है वो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। देन आप इसकी पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे, और पीडीएफ फाइल ओपन करने के बाद आपके सामने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो जो इस मतलब फील्ड में काम हुआ है वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और देन आप फर्दर इसको एक बार रीड आउट करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ काम हुआ है, तो वो आप इस तरह की चीज़ों को फ्रैक्ट लिखा हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ, ये आप सारा इसको एक बार रिवाइज करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम इसके अंदर कर सकते हैं। और हम लोग दोबारा जाते हैं वेबसाइट पर, और यहाँ पर इसके अलावा आपके पास मेडिकल फील्ड की आ रही है, अगर आप मेडिकल के अंदर कोई बच्चा जाना चाहता है कि जैसे कि मतलब उसको मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन है, ड्रग डिस्कवरी है, ब्रेन ट्यूमर है, सेगमेंटेशन मेडिकल डायग्नोस है, तो इस तरह की जिसने बच्चे ने भी फील्ड में जाना है तो उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपको मिलेगा मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंगली, ओके। और अगर सपोज करेंगे कोई बच्चा ग्राफ में जाना चाहे, स्पीच में जाना चाहता है, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच साइंथेसिस, इसके अलावा स्पीच इन्हांसमेंट है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इसके अलावा कोई बच्चा गेम्स में जाना चाहता है कि गेम्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, ये देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूस कंट्रोल खोलते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसके बारे में जो जो इन्हांसमेंट हुई हैं चीज़ें, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं सारी वो यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ देखेंगे इसके बारे में सर्च पेपर है, और ये उसको 149 का मतलब है कि 149 लोगों ने इसको रीड आउट किया है। और इसके साथ जब इसको ओपन करेंगे तो आपको इसका इसकी पीडीएफ और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सामने शो हो जाएगा, और ये देखिए बाकी जब आप इसकी पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो